नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल का फिर से एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में। क्या होता है फ्रेंड कि जब हम डाटा एंट्री करते हैं या कोई सीट बनाते हैं तो गलती से हमारी एक्सेल सीट में कुछ डुप्लीकेट वैल्यू इनपुट हो जाती है। तो उन डुप्लीकेट वैल्यू को हम एक ही बार में कैसे फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करने के बाद उसे एक ही बार में कैसे डिलीट करें, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं फ्रेंड कि हम डुप्लीकेट वैल्यू की ऑडिटिंग कर रहे हैं, यानी कि आपकी एक्सेल सीट में कितनी भी डाटा डिजिट पुट है, यदि आपने कहीं गलती से अपनी एक्सेल सीट में कहीं डुप्लीकेट वैल्यू पुट कर दी है तो उस डुप्लीकेट वैल्यू को हम कैसे सर्च करें एक ही बार में, और सर्च करने के बाद जो डुप्लीकेट वैल्यू हो वो हाईलाइट हो जाए, और हाईलाइट करने के बाद हम उस डुप्लीकेट वैल्यू को एक ही बार में डिलीट करें, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं फ्रेंड डुप्लीकेट वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। सिंपल से फ्रेंड, आपको जब भी डुप्लीकेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो सिंपल से आप उस एरिया को सिलेक्ट किए जहां आपको डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इसे डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने पिछले ऑप्शन में आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में बताया था, ठीक है। सिंपल से कंडीशन फॉर्मेटिंग जाइए और हाईलाइट सेल्स ऑप्शन इसमें जाइए ऑप्शन में, फिर आपको कुछ ऑप्शन एक्टिवेट होंगे, यहाँ लिखा होगा आपको लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड तो जहाँ जहाँ आपकी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वहाँ वहाँ वो कलर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब भी यहाँ पर कलर प्रोवाइड कर दिए इसने क्योंकि आपकी वैल्यू ये है। अब बात करते हैं तो आप कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं केवल डुप्लीकेट वैल्यू को। आप एक एक करके करोगे तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बहुत, यदि एक्सेल सीट में ज़्यादा डाटा है और फिर कहाँ तक आप डिलीट करते चलोगे। तो सिंपल सा आप करना क्या है, आप उस डुप्लीकेट वैल्यू को आप जो आपने फाइंड आउट की उस पर कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। आप पेज उसमें जाइए डाटा में, डाटा मैंने पिछले वीडियो में टेक्स्ट टू कॉलम को ये ऑप्शन बता दी, उसके बगल से रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट किया ये, अभी कॉलम आप दे देना आपको जैसे चाहिए। तो मैं फिलहाल ए कॉलम को चाहिए, मुझे बी का डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डिलीट करनी यानी रिमूव करनी है। ये मैंने कॉलम सिलेक्ट किया और ओके कर देता हूँ और ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं आपको दोबारा सिलेक्ट करके बता देता हूँ। वही होम में जाना है आपको एंड डुप्लीकेट वैल्यू में जाना है, ठीक है। अब नहीं दे रहा, ठीक है। ये ठीक है, आपने डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट और उसको एक ही बार में कैसे डिलीट करते ये जान लिया होगा फ्रेंड एंड थैंक्स। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स एंड बाय बाय।